करोड़ों रुपए से फर्जी रेवेन्यू स्टैम्प का एक मामला थाने शहर पुलिस स्टेशन में आया है, जहां 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने करीब 1.5 करोड़ रुपए के फर्जी रेवेन्यू स्टैम्प पुलिस ने बरामद किया है। फर्जी रेवेन्यू स्टैम्प का यह एक मामला जहां करीब 1.5 करोड़ रुपए के फर्जी रेवेन्यू स्टैम्प पुलिस ने बरामद किया है। इन 10 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह गिरोह मुंबई के अंधेरी इलाके से अपने इस अवैध कारोबार को 2015 से चला रहे थे, जहां ये माइनिंग का व्यापार कर रहे थे। लोगों को यह फर्जी स्टैम्प पेपर बेचा करते थे। पुलिस का दावा है कि अरबों रुपए की चपत इन लोगों ने फर्जी रेवेन्यू स्टैम्प बेचकर अब तक सरकार को लगाई है। इस तरह से तेलगी ने भी जिस तरह फर्जी स्टैम्प पेपर बेचकर सरकार को अरबों रुपए की चपत लगाई थी, ठीक उसी तरह इस गिरोह ने भी किया। इतने बड़े पैमाने पर सरकार को आर्थिक चपत लगाई है क्या, और इसमें क्या सरकार के बड़े बड़े अधिकारी शामिल हैं, इसकी पुलिस जांच कर रही है। हमें इन्फॉर्मेशन मिला था कि कुछ लोग डुप्लीकेट रिसिप्ट बना के रेती दिए, ये बेचने का काम करते हैं। हमारे जो क्राइम ब्रांच के ACPA कदम साहब, उनके अंडर में जो हमारा यही से चौथी साहब, उन्होंने एक टीम बनाया, और टीम के बाद हमें पता चला कि हमने एक आदमी को कलवा नाका जो वहाँ से उठाया, तो उसके पास एक बुक हमको मिला। वो बुक टोटल इलीगल था, जो डुप्लीकेट बुक बनाया था उसमें वो रॉयल्टी देता था। किसी को रेती चाहिए तो रेती का देता था, अगर मिट्टी चाहिए तो मिट्टी का देता था, लेकिन ज़्यादातर वो रेती का ही देता था। तो ऐसे हमने करीब 250 के आसपास हमने ये बुक उसके तरफ से जब्त किए हुए हैं, और उसमें अभी तक हमने 10 को पकड़ के कोर्ट में पेश किया है, और वो सब हमारे PC के अंदर।